नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में प्रदेश विधानसभा के सदन में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस समारोह को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की यह महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है, जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। साथ ही भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा, विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिपक्ष में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का समय निर्वहन कर सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अब कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश में देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु में। इस माननीय सदन, इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श कर देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा, यह पल ऐतिहासिक है, 100 वर्ष पहले के अतीत इतिहास पर नजर डालने का क्षण, साथ ही आने वाले 100 वर्षों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी। गत दिनों धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के आर्थिक सहयोग से 1010 करोड़ 60 लाख रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने जायका परियोजना में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, जापान के साथ हमारा एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारी पॉपुलेशन का 90% जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाला व्यक्ति है वो किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है, और प्रदेश की आर्थिकी में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष तौर से इस बात को लेकर के जोर रहा है, इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। गत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुधार केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के तरीकों और विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई।
शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने देश में मुफ्त टीके उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को विकास में भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, जिसमें 96,720 करोड़ रुपए के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरीन कार्य किया है, जिससे राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये 17वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2095 करोड़ रुपए की एशियन विकास बैंक पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पुबोवाल में लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से 80 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने हरोली क्षेत्र के पुबोवाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं लगी हुई हैं और इन सारी योजनाओं को अगर हम मिलाएं तो 110 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास इस विधानसभा क्षेत्र में एक समय पर एक जगह में किए गए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र लगातार अपने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नए मुकाम को छूने जा रहा है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।